रोहनप्रीत सिंह और नेहा कक्कर की तलाक की खबरों के बीच अब रोहनप्रीत सिंह ने किया बड़ा खुलासा। इस खुलासे को जानकर शायद आप भी हो जाएंगे हैरान। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नेहा कक्कर और रोहनप्रीत सिंह ने साल 2020 में शादी की। दोनों दिल्ली के एक गुरुद्वारे में शादी के बंधन में बंधे। कपल की शादी को 4 साल होने वाले हैं और पिछले दिनों ऐसी अफवाहें सामने आई कि वे तलाक लेने जा रहे हैं। रोहनप्रीत ने अब आखिरकार इन अफवाहों पर खुलकर बात की है और इसका असली सच बताया है। वहीं अगर हम बात करें तो एक इंटरव्यू में नेहा कक्कर संग तलाक की खबरों पर रोहनप्रीत सिंह ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, रूमर्स तो रूमर्स ही हैं, वो सच थोड़ी है, वो तो बस बनाई गई बातें हैं। कल कोई कुछ कहेगा, परसों कोई कुछ बोलेगा, तो उसे आपको अपने पर्सनल रिश्ते पर असर नहीं पड़ना चाहिए या फिर आपको उसे इतना माइंड नहीं लेना चाहिए। रोहनप्रीत सिंह ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ऐसी बातें आपको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए, या तो आप सुनो ही मत, आप सोचो ही मत कि कोई ऐसी चीजें बोल भी रहा है। ये लोगों का काम है, उनको करने दो। अगर उन्हें मजा आ रहा है ये करके, हमारी जो लाइफ चल रही है उसे हम अपने हिसाब से जीते हैं, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, तो बात होती रहनी चाहिए जिससे पता चलता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से खबरों में आ रही थी नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के बीच तकरार चल रही है, डिवोर्स होने वाला है, ऐसे में कपल तलाक लेने वाला है। लेकिन रोहनप्रीत सिंह ने ये क्लियर कर दिया है कि दोनों के बीच कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है, उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही है और साथ ही तलाक की जो उनकी खबरें हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं। तो मुझे आप कमेंट सेशन में बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम हार्दिक पांड्या के केस में भी ऐसी चीजें थी। जब डिवोर्स होने वाला था तब कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा डिवोर्स होने वाला है, लेकिन बाद में आखिरकार हुआ ही था। लेकिन इस बात में ये खास है कि रोहनप्रीत सिंह ने खुद इंटरेक्शन किया है और बताया है क्लियर।